यदि आप 2024 में मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। क्वेश्चन है, यदि बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान है। हमें बताना है इन चारों में से इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन समझे पहले, सबसे पहले तो आप ये जान जाइए कि एक्स स्क्वायर के साथ एक एक्स स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a का मान होता है, जो x के साथ रहता है वो b का मान होता है, और जो सबसे अंतिम में रहता है वो c का मान होता है। बस समझ आ रही है, हमसे पूछा है इसका मान 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख दूंगा 4 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये आप याद किए होंगे द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और इसका मान क्या होता है, तो आपने याद किया होगा इसका योग का माइनस बी बट्टा ए, क्या होता है माइनस बी बट्टा ए। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए होता है। अब देखिए, मैं यहां 4 रख दिया, यहां पे माइनस है तो माइनस बी, तो बी का मान आप देखो क्या है, बी का मान है माइनस 3 है, क्या है माइनस 3 है, केवल 3 नहीं है माइनस 3 है, ठीक है। तो मैं यहां रखूंगा माइनस 3, देखिए यहां से मैं माइनस 3 ला रहा हूं और यहां पे एक माइनस है, तो एक माइनस और एक माइनस, यानी माइनस में माइनस से गुना होता है तो क्या होता है प्लस हो जाता है, तो यहां पे माइनस है और यहां पे माइनस है तो ये बदल जाएगा प्लस में, और यहां का 3 तो मैं 3 रख दूंगा। बात समझ में आ रही है, मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, माइनस 3 है ठीक है, और यहां पे पहले से एक माइनस था तो माइनस माइनस हो गया प्लस और 3 का 3 बट्टा ए, तो ए का मान क्या है, यहाँ पे ए का मान आपको एक्स दिख रहा है, क्या है एक्स नहीं होगा, इसके साथ जो रहता है वो होता है, तो इसके साथ क्या छिपा हुआ है, 1 छिपा है, तो मैं यार लिख दूंगा 1। अब ध्यान दो, यहां प्लस रखो ना रखो बस मैं रहना, लेकिन आपने गुना किया तो रखना पड़ेगा, लेकिन देखिए आप प्लस में प्लस से गुना करें क्या आएगा, प्लस आएगा, प्लस तो लिखते नहीं है, लिखना जरूरी है नहीं जरूरी है, 4 3 12 नीचे 1, नीचे 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं है भाई, तो मेरा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हो गया ए, ठीक है। अगर आप इसका फुल वीडियो देखना चाहते हो ना तो कमेंट करो, मैं इस पे वीडियो बनाने का कोशिश करूंगा, यदि कमेंट ज्यादा हुआ तो मैं वीडियो बनाऊंगा, अन्यथा नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आती होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।